अब आपने पीछे पढ़ी लिया होगा एल्गो ट्रेडिंग तो एल्गो ट्रेडिंग की हम कोई स्ट्रेटेजी डेफिनेटली आपको देंगे उससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है बट शरीक बोल रहे थे कि एल्गो ट्रेडिंग की इनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आज ही आपको देने वाले हैं जिससे

और कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूचर बिलोंग्स टू एल्गो ट्रेडिंग सो so, ऐसा क्या है एल्गो ट्रेडिंग में एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग को समझ सकते हो right. उसे यूज कर सकते हो सो so, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सो so, शारिक right. yes. so, है नॉट गेटिंग इन हिस्ट्री नंबर्स वो सब में नहीं जा रहा बेसिकली uh, क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग क्योंकि बहुत सारे मिसकनसेप्शन है जैसे मैंने बोला था लोगों को लगता है ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिसे एल्गो रन कराना है एल्गो कहा

ट्रेडिंग क्या होता है नॉर्मली hmm. हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए राइट right? hmm. फिर उसको हम डिप्लोय या उसको ट्रेड करना है राइट right. right? अभी आई uh, uh, आप सभी ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा uh, जो आपने uh, पोस्ट किया था उसमें हम एक मैनुअल स्ट्रैटेजी डिस्क, डिस्कस किए थे उसमें हमको ट्रेड भी करना है ना नॉर्मली hmm. कोई भी स्ट्रेटेजी हो uh, और कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो वी हैव स्ट्रेटेजी और हम वो ट्रेड करते हैं सुबह से शाम तक हम सिस्टम के सामने बैठ के उसको ट्रेड करते हैं ना सो so, लास्ट तो एविडन पे जाकर वो भी ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी yeah. था तो उसमें भी एक स्ट्रेटजी हमने सीखा और डिप्लॉयमेंट और ट्रेडिंग क्या था मैन्युअली करना था राइट सो नो अभी वो एक स्ट्रेटी कोई -कोई, के, के, में वो अपने आप आ जाएगा या फिर आ, इनका वीडियो देख के आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगा किसी और का वीडियो से मिल जाएगा किसी और का स्ट्रैटी मिल मिलेगा तो नॉर्मली अभी हम बात करते हैं कि खुद का एक स्ट्रैटेजी कोई बना रहा है राइट तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है स्ट्रैटेजी आप

राइट सो रूल्स डिसाइड करना है स्ट्रेटजी का रूल्स यूज करके बैक टेस्ट भी करना है सो so, आपके पास रूल सेट हो गया स्ट्रेटजी का और बैक टेस्टिंग भी किया सो रूल सेट करके बैक टेस्ट करके अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है ओवर द लास्ट थ्री इयर्स फिर उसको डिप्लॉय कर दो तो एल्गो ट्रेडिंग क्या है अभी ट्रेडिंग के बाद किया ना अभी एल्गो ट्रेडिंग क्या है ये सब तो आपको करना ही है रूल्स डिफाइन करना है आपका स्ट्रेटजी रूल्स मतलब क्या है कब एंटर करना है कब एक्सिप करना है स्टॉप टारगेट कितना है। रखना है आपका रूल्स है राइट आपने वो टेस्ट किया अच्छा रिजल्ट आ गया इसका डिप्लॉयमेंट अगर आपने ऑटोमेट किया ऑटोमेट किया बोलता है इतना आसान है

Money, mm -hmm. में, mm -hmm. और दोनों के साइड में प्रीमियम 100 परसेंट बढ़ गया mm -hmm. तो स्टॉप लॉस करना है mm -hmm. तो ये रूल्स आप सिस्टम को बता रहा है जो भी आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको बता रहा है mm -hmm. ये अपने आप कर देगा mm -hmm. प्रॉब्लम ये कि आ, ट्रेडिंग में बहुत बार लोग आ, हार जाते हैं क्योंकि वो लोग इमोशंस पे जाते हैं राइट right. जब स्टॉप लॉस पे लॉस कट करना होता है वो लोग कट नहीं करेंगे उनको लगता कि नहीं 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 अब सब सही होगा और लॉस कट नहीं करते वो इमोशंस के वजह से लोग बहुत बार हार जाते हैं बिकॉज नाउ इट इज ऑटोमेटेड जो रूल्स है आपका जो बैक टेस्ट करके अच्छा निकला ये रूल्स फॉलो होगा ही होगा क्योंकि हमारा इमोशंस वहां पे नहीं आ रहा पूरा ऑटोमेटेड है तो यही एक और एल्गो ट्रेडिंग का बहुत अच्छा चीज है और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वी कैन जस्ट स्लीप ओवर एल्गो ट्रेडिंग वो भी नहीं होगा क्योंकि आपको अगर आ, आ, आपने एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रन किया नाइन को आपका अगर एंट्री है एग्जाम्पल आपको इंश्योर करना है कि ट्वेंटी को एंटर किया कि नहीं आपको सिस्टम देखना ऑलवेज गुड इफ यू वॉच द सिस्टम मे बी को आपको हिट किया अकॉर्डिंग टू द रूल आपको इंश्योर करना है कि आपका ऑटोमेटेड सिस्टम ने एस एल में निकाला कि नहीं क्योंकि टेक्निकल है कभी कभी गलती हो भी सकता है नहीं निकाला तो लॉस बढ़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना सो so, यही है मोस्टली एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर मोस्टली यही बोलना था uh, फिर आपने पूछा कि ये नहीं Automate. हाँ ऑटोमेट कैसे कर सकता है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना अभी रूल्स कैसे हो सकता है एक एक चीज में जाते हैं एक एक चीज कैसे कर रहे हैं बात करते हैं तीन चीज कर रहे हैं ना पहले रूल्स कैसे बना सकते हैं रूल्स बहुत चीज बहुत तरीके का रूल्स पे हम ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज बना सकता है उसमें मैं एक बोलूंगा अभी क्या इंडिया में या अभी इंडिया का जो रिटेल ट्रेडर्स को जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके ऊपर कैसे स्ट्रैटेजीज बन रहा है मतलब टाइम बेस्ड प्रीमियम बेस्ड या एटीएम ओटीएम बेस्ड एंट्रीज के ऊपर स्ट्रेटजीज बन सकता है बहुत आ, आसानी से मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा अभी राइट समझ गया ना मतलब ऐसे अभी इसमें भी हम लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है रूल्स एक हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि वीवेप के ऊपर ऐसे गया और मैकडी का क्रॉसओवर भी सेम टाइम पे हो रहा है सिंपल मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर हो रहा है बुड़िंजर बैंड पे से भी वो निकल रहा है तब बाई करो ऐसा एक स्ट्रेटी आपको आपने तीन चार इंडिकेटर्स ले लिए चारों इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन आ रही है आपने कहा इन चार की कंफर्मेशन पे बाय कर लियो भाई. और उसमें आपने एक दूसरा रूल बनाया कि भाई स्टॉप लॉस उससे पहले वेरी कैंडल का लोगा स्टॉप लॉस ले

या या ऐसा कुछ करके 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 आपको आपको बना के के का या Bank Nifty, जो भी आपका है, उसका आप खरीद के, उस पे आपको code run करके करना पड़ेगा। hmm. फिर अगर अच्छा आ गया फिर आप ऑटोमेटेड करो वो भी बिकॉज ऐसा वाला रूल्स के ऊपर जो स्ट्रेटेजी है उस पर रिटेल को अवेलेबल सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे भी आपको कस्टम कोडेड सीसी

प्रीमियम बेस्ड एंट्री और एक्सिट हम करते हैं इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकल uh, एज पे हम रूल्स स्ट्रैटी uh, बना सकते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर या स्टैटिस्टिकली हम ऐसे एक एडजस्ट निकाल सकते हैं उसके ऊपर हम ऐसे अगर रूल्स बनाया देन वी कैन गेट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी राइट फिर उसको वैक्टस कर सकते अभी इसमें ब्यूटिफुल चीज क्या है कि इसमें uh, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी इंडिया में अवेलेबल है जो रिटेल यूज कर सकते हैं फ्री में मे बी वन थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ का खर्चे में आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल वहां पे आप रूल्स भी देख के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसको बैक्टेस भी कर सकते हैं लास्ट थ्री फोर इयर्स निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा के ऊपर उसको ऑटोमेटेडली आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं राइट थोड़ा सा क्लियर है एलगो mm ट्रेडिंग -hmm. क्या है सो ब्रेकिंग डाउन वेरी सिंपल राइट सो यू हैव टू बिल्ड रूल्स रूल्स जब आप बनाओगे एक बन गया उसको करना है सो so के ऊपर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर डिप्लॉय कर दो नहीं करना है सो so, हम जाते देखते एक स्ट्रैटी एक ये जो स्ट्रैटेजी मैं दिखा रहा हूँ ये मैं खुद यूज नहीं करता हूं खुद में दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ ये मैं ऐसे कहीं भी जाऊंगा तो पब्लिकली दिखाने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया है काफ़ अच्छा नंबर से इसका इसका अच्छे है है इसमें इसका आपको भी सबको मजा आ जाएगा तो ये मैं दिखा देता हूं। लोग यूज भी करते हैं बहुत लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं यूज करके पैसा बन गया करके सो बहुत अच्छा है तो ये देख लेते हैं उसके बाद हम देखने ठीक हाँ। है ओके बिल्कुल राइट अह या आ गया सो so, ये प्लेटफॉर्म में यूज करता हूँ हूं टेस्ट www.algotest.in करके है तो इसमें आप आके स्ट्रेटजी बना भी सकते हो इसमें देखो लाइव ट्रेड दिख रहा है ना आप जाके इसमें लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हो ओके okay. और ये कोई प्रमोशन नहीं है कोई प्रमोशन, नहीं, कोई प्रमोशन, है। प्रमोशन नहीं है कोई <laughs> प्रमोशन नहीं है पहले आपको बता दें सो दिस इज जस्ट टू मेक यू लर्न एब्सोल्युटली yeah. जैसे आपने बत, जैसे मैं आया था इन्होंने मेरे को ये बोला कि वैल्यू डिलीवर करना सबसे इम्पोर्टेंट है सो so वैल्यू right. पूरा वैल्यू डिलीवर कर हुए. क्या बात है है कूल नाइस सो ठीक ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है ओके okay? जैसे लास्ट वीडियो में किया था बैंक निफ्टी इंद्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी नियरली टू लाख रुपीस का कैपिटल टू 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 पॉइंट फाइव लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए एक लॉट के लिए इयरली फिफ्टी परसेंटेज या उसके ऊपर बन सकता है राइट लेट्स सी लास्ट थ्री इयर्स का बैक टेस्टेड डाटा में दिखा सकता हूं लास्ट थ्री इयर्स में इतना बनाया है राइट अभी अभी इस वीडियो में पूरा हम नहीं कवर कर सकते जब हम ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में करते हैं जब हम रूल्स डिफाइन करके स्ट्रेटजी नया बनाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे चीजें देखने रहता है स्टफ लाइक uh, like, मैं अभी थोड़ा सा नीचे आता हूं। uh, अभी इधर देखोगे ये जो स्ट्रेटजी में अभी दिखाने जा रहा हूँ अभी इसमें बहुत सारे चीजें आपको ऑप्टिमाइज करना है लाइक एक्सपेक्टेंसी रेशो अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या है अभी मैं इतना बता सकता हूँ स्ट्रैटेजी right? तो अच्छा का एक्सपेक्टेंसी रेशो पॉइंट फोर के ऊपर हो तो अच्छा स्ट्रैटेजी है रिस्क रिवॉर्ड रेशन के ऊपर रखना ही है फिर एक चीज देखना है मैक्स ड्रोडाउन क्या है तो कोई भी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी ऑलवेज गुड आपका मैक्स ड्रोडाउन कम हो

अभी हम आते हैं कौन सा कौन सा लेक सेल करना है उसका स्टॉप लॉस क्या है टारगेट क्या है रोज खरीदेंगे राइट और मेरा लास्ट वीडियो अगर लोगों ने देखा है उनको पता होगा मैं स्ट्रैंगल्स नहीं बेचता हूं स्ट्रागल्स नहीं बेचता हूं मैं आयरन कॉन्डोर्स हमेशा मेरा काम उस, उसी में रहता है अभी पहले क्या करना है नाइन ट्वेंटी को आपको कॉल द मनी एक बेचना है कितना एक एक लोड बेच दो राइट उसमें स्टॉप स्टोपलोस लेको टेन परसेंटेज ठीक है टेन स्टॉप लॉस रखा उसमें री एंट्री ऑन एसएल उसका मतलब मान लो एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज था प्रीमियम परसेंटेज एस एल हिट किया वापस अगर वो आके हंड्रेड पे अगर आया री कॉस्ट में आ गया तो री एंट्री कर दो हंड्रेड पे गया रील हम निक, निकल गया। बाहर निकल गया वो फिर वापस आ गया हंड्रेड पे मतलब हमारा कॉस्ट पे आ गया

आयरन कॉन्डोर है लेकिन अर्धमणि पे एक अर्धमणि कॉल से ले अर्धमणि पुट से ले फिर दूसरा एक कॉल से दूसरा एक पुट से ले फिर आउट ऑफ द मनी या अब बीच में एक स्ट्राडल है फिर एक स्ट्रैंगल का दो कॉलर uh, पुट भी है फिर दो बाइस भी है राइट right? थोड़ा सा ऐसा ऐसा तो, तो, तो एक बहुत बड़ा वाला एक जब हम यहाँ पे बना रहे हैं तो अभी हमने आ, स्ट्राडल स्ट्राडल हमने स्ट्रैडल 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 और स्ट्रैंगल भी सेल सेल किया किया करेक्ट फिर दोनों के लिए हेडज लेंगे इतना आसान है राइट ओके ठीक है अभी ये स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल है पहले जब हम एंटर करेंगे जैसे देखा वो टेन परसेंटेज अगर वो दिन ट्रेंडिंग गया

तो right. so, अभी कोल्ड uh, सेल कर रहा हूँ मैं एटी रुपीज का तो so, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है क्योंकि आपने पूछा कौन सा दिन क्योंकि अलग अलग दिन का अलग अलग डेल्टा uh, होगा अलग अलग ग्रीक्स uh, uh, होंगे hmm. लेकिन ये चलेगा अच्छा so, 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 करेक्ट हाँ? इस पे पहले हम एटीएम का सेल किया अभी लेकिन हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे ये सब सिस्टम करेगा

लेना है तो मैं बाई कर रहा हूँ कितने का पांच रुपए का, काफी दूर ओनली फॉर मार्जिन बेनिफिट ताकि मेरा बढ़ जाए, right? so, मैं का दो क्योंकि क्या होता है इससे जब आप सिर्फ sell, sell, sell तो आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा करेक्ट जैसे आप बाई कर लोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा मार्जिन कम होने से क्या होगा मान लीजिए आपका पहले सिर्फ सेल करने में आपने बाय करते आपको पचास हजार रुपए लगना है और आपको मिलना था पहले सात अब आपको मिलना है पांच सौ तो मेरा right. सही कहा आपने सो so, अभी हमने दो -दो दो मनी और एक आउट ऑफ द मनी और एक, भी है, एक आउट ऑफ द मनी पुट भी है अभी दो लॉट का कॉल सेल है तो दो लॉट का कॉल बाई करना है तो दो लॉट कॉल बाई करो क्लोसेस प्रीमियम पांच ले लो पांच रुपए का कोई भी ले लो बहुत दूर हाँ वो दूर का ले लो राइट right, वैसे पुटका का भी ले लो फाइव का

Uh, और नीचे आ रहा है uh, अभी ओवरऑल स्ट्रेटजी में एक सेटिंग रखा मतलब नियरली वन परसेंट डेली, डेली दो लाख पे दो हजार गया तो कट 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 हाँ तो वो आप अगर दस लाख पे आप कर रहे हो तो आप इसका फाइव मल्टीपल्स कर रहे होंगे हाँ. तो आपको इधर क्या रखना होगा टेन थाउजेंड रखना है क्लियर

So, काफी अच्छा नंबर्स दिखेगा तो फिर स्क्यूड रिजल्ट आएगा ना काफी अच्छा किया क्योंकि ये सब इंड्राडे है आपको ओवरनाइट वरीज नहीं है इंड्राडे में अगर एक, एक साइड ट्रेंड किया तो बड़ा प्रॉफिट है

अभी ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं, मैं अनचेक किया है ट्यूजडे hmm. और मैं रन नहीं कर रहा हूं। अभी देखो ट्वेंटी ट्वेंटी जो है वो निफ्टी है hmm. अभी ग्रीन लाइन जो है वो स्ट्राटेजी का प्रॉफिट है ऊपर 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 गया उपर गया उपर गया उपर गया गया right? राइट कोई बड़ा नीचे नहीं गिरा है आराम से गया ना वो बहुत जरूरी है जब आप एक ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी बना रहे हो बहुत जरूरी है कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए आपका पीएनएल का कर्व में पीएनएल का कर्व बहुत स्मूथ होना चाहिए तो इधर देखो क्या हुआ टू में कितना बड़ा जम्प हुआ कितना बड़ा जम। Only because ये सब ट्रेंडिंग थे ट्रेंडिंग में अच्छा ही होगा तो मैं नीचे आ रहा हूँ अभी आप देखो 2020 में टू लाख हम पकड़ लेते हैं टू, टू लाख कैपिटल चाहिए स्ट्रेटेजी रन करने में 2020 ये, ये मैं इधर आता ट्वेंटी 2020 में एवरी मंथ मार्च में देखो

ऐसे पब्लिक स्टार्टज बना के रखा हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि ये होता है जो पिछली वीडियो में जो हम बनाया था वो भी स्ट्रेटेजी है अब वो लोग कितने लोग वो फॉलो करके पैसा बनाएगा क्या लगता है लोगों को माइंडसेट में प्रॉब्लम है ट्रेडिंग बहुत आसान है पैसा बन सकता है uh, मैं ऊपर आ रहा हूँ एक ट्वेंटी ट्वेंटी आउटलायर केस था स्टिल बात करते थ्री लाख फिफ्टी सेवन का प्रॉफिट है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आप देखोगे फर्स्ट मंथ इन नेगेटिव ऑल अदर यू सी दिस इज मंथेज प्रॉफिटेज प्रॉफिट दिस इज प्रॉफिट ओवरऑल ईयर वन आ गया अभी इसको भी हम फेस वैल्यू पे लेते हैं

Which is 50 percentage. So I down, down, uh, down it, सो right? So डाउन डाउन देखोगे अभी तक वन लाख थ्री थाउजेंड बनाए राइट आपने बहुत सा अच्छा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैक्स ड्रोडाउन मैक्स ड्रोडाउन ही देखना है ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा इसमें मत देखो प्रॉफिट में मत देखो अगर यहाँ पे कोई और स्ट्रैटेजी होता टू लैख कैपिटल ही लगना है इधर नंबर मे बी से वन लाख रुपीज बट मैक्सिमम ड्रोडाउन से थ्री थाउजेंड रुपीज में बोलूंगा वो अच्छा है अब आते है क्या मैक्स ड्रोडाउन है

बारह दिन मतलब आप तभी सोचो बारह मतलब नियरली थ्री वीक्स राइट uh, क्योंकि दो दिन हम ट्रेड नहीं कर रहे मतलब वीक्स वीक्स हो गया uh, so, सो आप लॉस में है कहीं पे कुछ आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट ने एक हाई बनाया उसके बाद एक महीने आप लॉस में हो तो ये अगर वॉट इफ दिस वॉज हंड्रेड तो आप सात आठ महीने लॉस में हो तो ऐसे उतने महीने अगर लॉस में रहोगे आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होगा आपको लगेगा मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं है वो काम नहीं कर रहा फिर आप

काम करना पड़ेगा लेकिन ये भी अच्छा है अभी आते हैं uh, है, थ्री है का बैक हाँ टेस्ट हमने किया ना इसका विन परसेंटेज देखो 62 टू परसेंटेज रेट है ऐसा नहीं कि हर दिन पैसा बनेगा 62 परसेंटेज ही है लॉस परसेंटेज 37,000 37 परसेंटेज uh, 37 है एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स

अब ये डाउनलोड ट्रेड्स में क्लिक करोगे तो हर एक ट्रेड हर एक दिन का हर एक ट्रेड इसमें आ जाएगा अब ये देख के एक एक दिन का एक एक दिन का देख के कौन सा कौन सा स्ट्राइक में एंटर किया था कब एक्सिट किया था क्यों पैसा बना था वो सब देख सकता है तो यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है आ, जैसे मैंने बोला था रूल बेस्ड एंट्री है 9, 10, 920 को एंटर करना है थ्री टेन को एक्सिट करना है कब क्या एडजस्ट करना है वो सब हमने रूल बनाया इफ यू कैन गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड अभी हम क्या किया रूल्स बनाया आ, जो भी था सो so, रूल्स मैं कोशिश कर रहा हूं आपका जैसा अच्छे से लिखने का सो so, रूल्स हमने बनाया उसको हमने बैक टेस्ट किया इस रूल के ऊपर लास्ट थ्री इूल्स का रूल्स रूल्स का मैंने एक बनाया हुआ दिखाया आपको अब कोई अगर व्यूअर है उनको क्या कर रहे हैं जाके अलग अलग रूल्स डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के बैक टेस्ट करके कर करके करके फाइनली हिल रीच अ गुड स्ट्रेटेजी ज वॉट द वर्क राइट मे बी ही टेक द स्ट्रेटेजी आई शॉट और उसके ऊपर वो ट्विक कर सकता है थोड़ा चेंजेस कर सकता है एडिशन कर सकता है और उस स्ट्रैटेजी को बेटर कर सकता है बेटर क्या क्या करना है मैंने बता दिया एक्सपेक्टेंसी रेशियो बेटर कर सकता है मैक्स रोडाउन कम कर सकता है विन रेट अगर थोड़ा कम भी हुआ तो चलेगा प्रॉफिट कम भी हुआ तो चलेगा लेकिन मैक्स रोडाउन टोटल डेस इन मैक्स रोडाउन एक्सपेक्टेंसी रेशो बढ़ाना बाकी सबको कटाना और एक्सपेक्टेंसी uh, रेशो को बढ़ाना वो सब कर सकता है सो रूल रूल मैंने दिखाया उसको बैकटेस्ट किया

एक बेसिक स्ट्रेटेजी अभी एक सवाल ही आता है कि स्ट्रेटेजी को आपने बोला इसलिए आप यूज नहीं करते क्वेश्चन तो था कि आप इसे क्यों यूज नहीं करते Correct. तो यू सेड कि यू हैव अ बेटर स्ट्रेटेजी करेक्ट वो आप कब से खा रहे हैं <laughs> so, अगर आप लोगों को वो बेटर वाली स्ट्रेटेजी सीखना तो कमेंट कीजिएगा हम शारी जी का दोबारा से टाइम लेंगे राइट right. दोगे ना टाइम <laughs> नहीं ऐसा बोलता है कि ऑटोमेटेड जो तो स्ट्रेटेजी है उसमें वो स्टैटिस्टिकल एज पे काम करता है ये तो बहुत सारा लोग अगर एक ही स्ट्रेटेजी पे आ, काम करने लगा एट द सेम टाइम क्योंकि ये सब फायर हो रहा है एक ही टाइम पे तो फिर वो स्टैटिस्टिकल स्ट्र, एड चला जाता है बहुत बार इसीलिए बहुत लोग जिसके पास एक ये ऑटोमेटेबल टाइम बेस्ड प्रीमियम बेस्ड एंट्री से वो लोग ज्यादा शेयर नहीं करते हैं सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन टीच देम हाउ टू थिंक वो उसका कोशिश मैंने किया ना तो मैंने भी सेम रूट से गया, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी तो नहीं देने वाला <laughs> वो एक चीज है क्यों क्योंकि अगर तुम सब कॉपी करोगे उसे तो वो जो इनको एज मिला हुआ है स्टेटिस्टिकल एज वो नहीं मिलेगा और वो सही भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है वो गलत बोल रहे हैं बिकॉज एक ही चीज जब सब करेंगे तो आप जब ऑप्शन चेंज देखते हो तो आपको दिखता है यार ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है आ रहा है जा रहा है बहुत कुछ देखते हो आप चेंज इन ओवर इंटरेस्ट देखते हो तो वो आप ही लोग चेंज करने लग जाओगे मार्केट में तो right. वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जहाँ हो पे होगा वहां पे ऑपरेटर की नजर भी होगी सो देर इज सो मच टू लर्न एज ऑफ नाउ और जस्ट कमिंग बैक टू दैट सो लास्ट वीडियो में हम मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी के बारे में बात hmm. किया उसमें ठीक है क्योंकि वो पोजिशनल है लोग एक साथ ऐसा नहीं कि 9:20 ट्वेंटी ए एम पे एक साथ ऑर्डर नहीं जा रहा right. लोग सोच के कोई 9:20 पे एंटर कर रहा है कोई 9:30 पे कोई 9:45 पे वो ठीक है वो चलेगा पोजिशनल स्ट्रैटेजी है स्ट्राइक है है वो सब चलेगा। और सब से अलग हो सकती है, अपने हो दिमाग सकता, से। बिल, बिल्कुल, थोड़ा बहुत आप लोग सीखे देखो अगर आपको आ गया मतलब वो कहते ना अगर आपको किसी ने फिश दे दी correct. तो एक दिन की भूख मिट जाएगी बट अगर फिशिंग करना सीख लिया इंपॉर्टेंट